स्केटबोर्ड चाय वाला। एक जगह स्केटिंग का मुकाबला हो रहा था। मुकाबले में भाग लेने के लिए कुछ लोग स्केटिंग शूज और कुछ लोग स्केटिंग बोर्ड लेकर आए थे और तैयार खड़े थे। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई, सब स्केटिंग करने लगे। वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने लगे। उन सब में अमन नाम का लड़का तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो अपना स्केटिंग शूज पहनकर सबसे आगे जा रहा था। आखिरकार उसने विनिंग लाइन पार कर दी और जीत गया। ये देखकर सब लोगों ने जोर से ताली बजाई। अमन के मुकाबला जीतने पर क्रीड़ा शाखा मंत्री ने उसे ट्रॉफी प्रदान की। अमन मंत्री महोदय से, सर मुझे आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ सर, मुझे स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी चाहिए सर, मैंने एग्जाम भी पास कर लिया सर, मेरे नौकरी के अर्जी का फाइल आपके टेबल पर है सर, अगर आपकी कृपा रहे तो मुझे नौकरी मिलेगी सर। तब मंत्री जी, ठीक है अमन, कल सवेरे 10 बजे आकर मुझसे मिलना, ऐसा कहा। अमन ने खुश होकर उन्हें प्रणाम किया। अगले दिन सवेरे अमन मंत्री के कार्यालय पर पहुंचा। मंत्री जी ने अमन का फाइल देखा और कहने लगे, अमन तुमने एग्जाम में अच्छे नंबर पाए हैं, अगर स्पोर्ट्स कोटा के तहत मैंने तुम्हारी नौकरी की सिफारिश की तो तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे खर्च होंगे, अगर तुमने 5 लाख रुपए दिए तो ये नौकरी तुम्हारी पक्की समझो। तब अमन, सर हम जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहां से आएंगे सर, मेरे पिताजी एक छोटी सी चाय की रेड़ी चलाते हैं सर, आप मुझ पर कृपा करिए सर, कर मंत्री जी के पैर पड़ने गया। मंत्री जी ने उसे रोकते हुए, देखो अमन, जो बात कहनी थी मैंने कह दी, समझा करो, यहाँ पर तुम पर कोई ना रहम करेगा, ना किसी को तुम पर करुणा आएगी, ना ही कोई तुम पर तरस खाएगा, मैंने जो कहा सो कह दिया, यहाँ सिर्फ रुपया बोलता है, अब मैंने जो चुनाव में पैसे खर्च किए हैं वो पैसे मुझे वापस कैसे मिलेंगे, तुम ही बताओ, पैसे दोगे तो तुम्हारी नौकरी पक्की, वरना नहीं समझो, अब तुम मेरा वक्त बर्बाद ना करो और यहाँ से जाओ। ये सुनकर अमन दुखी होकर वहाँ से बाहर जाने लगा। घर पर अपने घर वालों से ये बात कहकर वो काफी दुखी हुआ। बापू, मैं समझ गया कि मुझे ये सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली, बचपन से मैंने जो स्केटिंग बड़े प्यार से और लगन से सीखा था उसने मुझे मेडल्स तो दिलाए पर नौकरी नहीं दिला पाई, इसलिए नौकरी की तलाश मैं अब छोड़ रहा हूँ और मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा चाय बेचने में। फिर उसने गांव भर में पोस्टर चिपकाए। उस पोस्टर में लिखा था, वेयर एवर यू आर योर टी विल रीच यू इन 10 मिनट, कॉल अमन 9866842711। उस दिन से कोई भी उस नंबर पर फोन करता तो अमन उन्हें स्केटिंग शूज पहनकर चाय पहुंचा कर आता। यूं दिन भर वो स्केटिंग करते हुए जाकर उनको चाय पहुंचाता और उनसे पैसे लेकर आता। यही काम करता रहा। एक दिन अमन चाय की डिलीवरी कर लौट रहा था कि तभी उसने देखा कि एक कार में कुछ गुंडे एक बच्ची को अपहरण करके ले जा रहे थे। वो बच्ची उनसे बचने के लिए कार में बैठकर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। तब उनमें से एक आदमी ने उस लड़की का मुंह बंद कर दिया। ये सब देखकर अमन ने फैसला किया कि वो उस बच्ची को बचाएगा। तेजी से वो उस कार का पीछा करने लगा। कार काफी तेजी से जा रही थी। अमन भी तेजी से उसके पीछे स्केटिंग करता हुआ जाने लगा। स्केटिंग करते हुए उसने पुलिस को फोन लगाया और कहने लगा, सर यहाँ कुछ लोग एक बच्ची का अपहरण कर रहे हैं। गांधी चौक के पास वो कार जा रही है सर, मैं उस कार का पीछा कर रहा हूँ, मैं अपना लाइव लोकेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सर, आप जल्दी वहाँ पहुँचिए, यूँ कहा। पुलिस अपने मोबाइल पे उस लोकेशन को देखकर उस गाड़ी का पीछा करने लगे। फिर उस कार का रास्ता रोकते हुए उन्होंने सड़क के बीचों बीच गाड़ी रोक दी। अपहरणकर्ता मारे डर के कार को छोड़कर भागने लगे। तब पुलिस ने उनको पकड़ा और उन्हें खूब मारा, फिर उन्हें ले जाकर जेल में बंद कर दिया। तब मंत्री जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे। मंत्री को देखकर वो बच्ची, डैडी ये यही गुंडे हैं जिन्होंने ड्राइवर चाचा को मारा और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगे, तब इसी अंकल ने मुझे बचाया था, कहकर दिखाया। अमन को देखकर मंत्री दंग रह गए। मंत्री कहने लगे, अमन तुम सही वक्त पर भगवान की तरह आकर तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, तुम्हें नौकरी ना देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कल सवेरे तुम मेरे दफ्तर आओ और अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाओ। ये सुनकर अमन बहुत खुश हुआ, उसने मंत्री जी को प्रणाम किया। ग्रेडी बर्गर वाला। तिम्मापुर नाम के गांव में हेमंत नाम का व्यक्ति रहता था। वो उस गांव में एक ट्रक में बर्गर बेचता था। हेमंत बहुत स्वार्थी था।
वो एक साथ ही बहुत सारा बर्गर बनाता था और उन बर्गरों को एक महीने तक रखकर बेचता था। इतने दिन होने पर भी वो बर्गर खराब नहीं होते थे, एकदम ताजा दिखते थे। उसके ट्रक के पास ही फ्रूट जूस बेचने वाला माही नाम का एक व्यक्ति रहता था। माही ये सोचकर हैरान रहता था कि मैंने तो इसे कभी बर्गर बनाते हुए देखा नहीं, तो फिर इसके बर्गर इतना ताजा कैसे होते हैं? उसने सोचा, ये राज मैं जानकर ही रहूंगा। एक दिन हेमंत बर्गर बेच रहा था कि तभी एक औरत वहाँ आई। वो औरत हेमंत से, क्यों भैया हेमंत, मेरा बेटा हर रोज तुम्हारे पास ही बर्गर खाता है। उसने पेट दर्द की शिकायत की तो डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने कहा है कि इसे फूड पॉइजनिंग हो गया है। तुम अपने बर्गर में कुछ ना कुछ तो मिलावट कर ही रहे हो। तब हेमंत, अरे दीदी आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि उसे फूड पॉइजनिंग मेरे बर्गर खाने की वजह से ही हुआ है? आप वही बासी तेल इस्तेमाल करते हैं हर रोज, तो हो सकता है कि उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ हो। मैं तो दीदी हर रोज एकदम ताजा बर्गर बनाता हूँ। अब यहाँ से जाते रहो दीदी, वरना मैं अपने कुत्तों को आपके पीछे लगा दूंगा, वो काट काट कर आपका बुरा हाल कर देंगे। तब वो औरत, अरे तुमसे मुंह लगना तो मेरी गलती है, तुम्हारा सत्यानाश होगा। एक दिन जब लोगों को पता चलेगा तो तुम्हारा ये हशर करेंगे कि बस तुम्हें नानी याद आ जाएगी, कहकर वहाँ से चली गई। एक दिन शाम को हेमंत के ट्रक के पास हेमंत का दोस्त वासु आया। वासु हेमंत से, क्यों भैया लगता है तुम्हारा धंधा खूब चल रहा है। तब हेमंत, अरे क्या बिजनेस यार, अरे जो तुमने केमिकल दिया है उससे मैं बर्गरों को एक महीने तक एकदम ताजा रख पाता हूँ। वो केमिकल मिलाकर अगर मैंने एक बार बर्गर तैयार कर लिया तो महीने चलते हैं। हाँ ये अलग बात है कि उसे खाकर लोगों की सेहत बिगड़ जाती है, लेकिन ये सब करने के बावजूद मुनाफा नहीं है यार, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। ये तुम्हारे हिस्से के पैसे हैं, रख लो। यूं कहकर हेमंत ने वासु को पैसे दिए। तब वासु हेमंत से, भैया एक साइंटिस्ट ने एक नया परिक्रम तैयार किया है, मैं ये खास तुम्हारे लिए लाया हूँ, कहकर उसने हेमंत को एक हैंडपंप दिखाया। हेमंत, अरे भाई क्या तुमने मुझे एकदम बेवकूफ समझा है? अब ये हैंडपंप मेरे किस काम आएगा? तब वासु, भाई साहब ये कोई ऐसा वैसा हैंडपंप नहीं है, मैंने जो केमिकल दिया है आप इसमें एक बूंद डालिए और हवा भरिए, बस आपके बर्गर एकदम बोरी की तरह फूल जाएंगे। ये सुनकर हेमंत, है सच कहते हो? अरे ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर दी है यार, तब तो मैं पंप मार कर इन बर्गरों को एकदम फुला दूंगा और इन्हें बाहुबली बर्गर कह कर इनका नीलामी करके बेचूंगा। तब वासु, भैया एक बात का ध्यान रखना, इस पंप में सिर्फ एक बूंद केमिकल मिलाना, अगर दो बूंद मिलाया तो बस तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, ये बर्गर फूल कर बॉम्ब की तरह फट जाएंगे। तब हेमंत, अरे वो सब तो मैं देख लूंगा यार। अगले दिन हेमंत ने उस हैंड पंप से बर्गर में हवा भरा, वे बर्गर आटे की बोरी की तरह फूलने लगे। हेमंत ने अपने ट्रक के आगे लिखा था, बाहुबली बर्गर बोली लगाकर जीते, यूं लिखा हुआ एक बोर्ड लगाया। उस बोर्ड को देखकर लोग वहां जमा हो गए। हेमंत ने एक बर्गर को उनके सामने रखा और, भाई ये बाहुबली बर्गर है, हर रोज एक ही बर्गर बनता है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये बर्गर उसे ही दिया जाएगा। तब वहाँ पर खड़े लोग बोली लगाने लगे। एक आदमी, 3,000 रुपए, दूसरा 5,000, आखिरकार एक मोटे आदमी ने उसे 10,000 की बोली लगा कर खरीदा। हेमंत ने खुश होकर उस मोटे आदमी को वो बर्गर बेच डाला। वो आदमी उस बर्गर को खाने के लिए उसके पास गया, बस वो बर्गर बॉम्ब की तरह धमाक करके फटा। वहाँ खड़े सब लोग उछल कर दूर जा गिरे, सबके चेहरे काले पड़ गए। तब सब लोगों ने मिलकर हेमंत को खूब मारा, हेमंत के सारे कपड़े फट गए और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी माही वहाँ आया और, क्यों अच्छा हुआ ना, कल मैंने तुम्हारे और वासु की बातें सुनी थी, इतने दिन लोगों को उल्लू बनाकर उनसे पैसे ले रहे थे ना, और तुमने लोगों की सेहत के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं की, इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये किया। कल मैंने चुपके से तुम्हारे हैंड पंप में 3 बूंद केमिकल डाले थे, इसीलिए ये बर्गर फटा। दोबारा लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ ना करना।
इस तरह लोगों को हेमंत के बारे में पता चला और उन्होंने उसके पास बर्गर खाना छोड़ दिया और माही के कस्टमर्स बढ़ने लगे।